ఎవరా అది నా బాడీ ఏమైపోయింది 2898 లో వన్ ఆఫ్ ది టఫెస్ట్ మోస్ట్ ఎక్సైటింగ్ हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीशा रिएक्ट्स। कैसे हैं जी? और आज हम देखने वाले हैं जी कल की, यार ये कब आएगी, इसका ट्रेलर का इंतज़ार है मुझे। और इसके अंदर जी हम आज देखेंगे फ्रॉम स्क्रैच एपिसोड 4 बिल्डिंग अ सुपर स्टार विद जी कल की 2898 AD प्रोजेक्ट के। तो यार ये क्या है, इसके अंदर क्या बताया है, कुछ हिंट बताए हैं? ऐसे तो ये है कि बुज्जी को कैसे बनाया है, यानी कि कोई करेक्टर है जिसके बारे में हमें बताएंगे। तो चलो यार देख लेते हैं पहले, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एनीशा ऑफिशियल पे मुझे ज्वाइन कर जो इंस्टाग्राम पे। चलो भाई, ओके लेट्स गो। వీళ్ళందరూ నన్ను బిల్డ్ చేసే టీమ్. ఇట్స్ ఆల్రెడీ లుక్స్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ వెరీ ఛాలెంజింగ్ టు మేక్ దిస్. Yes, it is challenging, but also it is super satisfying, you know. Costliest. Most complicated vehicle. రే, మెల్లగా తీసుకెళ్ళండి. అసలే మీకు బ్రెయిన్ లేదు. నీకేమో బాడీ లేదు. సచ్చినోడా. సర్, ఎవరు డెడ్ లైన్ ఫాలో అవ్వట్లేదు సర్. నో 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 నో. ఓ, సారీ, రాంగ్ పర్సన్. ఇన్ని రోజులకి ఒక టైర్ చేశారా? దీనికి 48 కాదు 96 వోల్ట్స్ బ్యాటరీ వాడితే బెటర్. నేను లేకపోతే మీరేమైపోతారా? హే, టూల్ కిట్ ఎక్కడ పెట్టా? డ్రిల్లింగ్ మెషిన్ సర్వీస్ చేయించావా? ఇంకా కొంచెం ఇంకా నా లైఫ్ అంతే, బాడీ లేకుండా బ్రతికేయాల్సి వస్తుందేమో. బైర్వా బైర్వా, ఇప్పుడు ఈ స్లో మోషన్ అవసరమా? తొందరగా వెళ్ళు, తొందరగా. ఐ వాంట్ టు సీ. क्या बात है यार, जबरदस्त। यानी कि बुजी के बारे में, बुजी या बुजी, बुजी के बारे में इंट्रोडक्शन था कि क्या है क्या नहीं, लेकिन यार जो बात की जाए, प्रभास की आवाज और वो लुक मुझे बड़ा अच्छा लगा। प्रभास का बहुत जबरदस्त, जरा सी झलक आई लेकिन मजा आ गया देख के। और ये छोटा सा है एक, और बहुत बोलता है और बहुत ज़्यादा जीनियस है हर चीज़ के अंदर। और बड़ा मज़ा है जिस तरह से इन्होंने इसको बनाया है, और इतने सारे लोगों ने कहा कि बड़ा मुश्किल टास्क था लेकिन बना लिया। अच्छा, इसकी बॉडी नहीं है, इतना सही है माइक की तरह, जैसे हम एक जगह पे स्टैंड पे रख लेते। और ये एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है, मूवी बड़ी अच्छी होने वाली है क्योंकि इसमें अलग से एक करेक्टर और ज़हर है। जब इसके ऊपर एक अलग से इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है तो इसका बहुत ज़्यादा काम होगा पूरी मूवी में। और इसकी बॉडी के लिए वो क्या चीज़ उठाई, वो कोई रिबोट था या कोई कार थी? मुझे लगता है वो कोई कार थी, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं बोलने वाली कार होती है, और वो यहाँ पर भी, यानी कि उसकी बॉडी भी होगी और वो इंडिविजुअली भी काम करेगा, जितना मुझे लगता है। ऐसे वो उसके ऊपर यहाँ पर था ना प्रभास के, तो हो सकता है ऐसा हो। ये तो मैं कह रही हूँ, अब देखते हैं कितना अंदाज़ा ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक चीज़ को हम इंडिविजुअली भी ले लेते हैं और एक उसको बॉडी के साथ उसकी पावर बहुत बढ़ जाएगी। तो वो कहता है ना, मैं पावर बॉडी के बगैर ही हूँ, उस वजह से। तो उसने कहा अब ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, यानी कि उसको एक बॉडी देंगे। रिबोट है और उसका नाम है
चलो यार देखेंगे क्या होगा, बड़ा मज़ा आएगा। उम्मीद है आज का रिएक्शन आपको अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया देख के। रिवील जो होगा वो 22 मई को होगा, ठीक है, 2 दिन बाद इस तरह से। तो जल्दी से कमेंट्स में बताओ आप लोगों को क्या लगता है, हम भी अंदाजे लगाते हैं कि आप लोग अंदाजे कैसे हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एनी शो ऑफिशियल पे मुझे मिलो जो कि इंस्टाग्राम पे है। ओके जी, बाय।